हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मेश जुदा सूरत सिटी गुजरात से। दोस्तों, आज मैं आपको चैनल सेटिंग सिखाने वाला हूँ। चैनल सेटिंग में दो टाइप की पट्टी में बना के सिखाऊंगा। एक सीधा जो एक जैसा डायमंड जिसमें रहेगा, ऐसी एक पट्टी बनाऊंगा, और एक पट्टी में ऊपर डायमंड थोड़ा ब्रॉड रहेगा, फिर धीरे धीरे मेटल पतला होता जाएगा और डायमंड छोटा होता जाएगा, वैसे एक दो पट्टी बनाऊंगा। सबसे पहले आपको एक सिंपल जो पट्टी रहती है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, ये राउंड एक कर्व बनाया है उसको मैं ऑफसेट लगा रहा हूँ 3 mm का। 3 mm का ऑफसेट लगाने के बाद यहाँ पे मैं पैक कर रहा हूँ दोनों साइड। ये भी समझिए कि ये हमारा डिज़ाइन है, तो इसके अंदर अभी हमें चैनल सेटिंग करना है। तो अभी इसको क्या करना है, 0.7 अंदर की साइड ऑफसेट लगा देना है। अभी इसके बीच में आप मेजरमेंट ले लो कि अभी ये कितना mm का डायमंड इसके अंदर बिठेगा। अभी ये 1.6 का डायमंड जो है अभी इसमें दिखा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, डायमंड 0.1 इसके अंदर थोड़ा इंसर्ट करना है। तो ऊपर के साइड भी इंसर्ट रहेगा, यहाँ पे भी इंसर्ट रहेगा, तो इसमें 0.2 प्लस हो जाएगा, तो 1.8 का आपको डायमंड बिठाना है। तो अभी क्या करना है, पहले दोनों को हाइट दे दीजिए। आपका इसमें मिनिमम आपको 1.6 हाइट रखना है, तो हम लोग 1.6 अभी हाइट रखते हैं। 1.6 का हाइट रख दिया, फिर आपको क्या करना है, ये दोनों के बीच में एक ट्विन कर्व लेना है। तो वहाँ से वो ऑप्शन से हम लोग डायमंड बिठाएंगे। तो ये दोनों के बीच ट्विन कर्व ले लिया, और दोनों को लॉक दे दीजिए, और दोनों के बीच में एक और ट्विन कर्व ले लीजिए। अभी समझिए, यहाँ पे एक कर्व है, एक मेटल बना है, और एक बीच में एक कर्व है। तो आपको क्या करना है, ये डायमंड ये मेटल को सिलेक्ट करना है, और F6 दबा के F6 दबा के आपको ये जेम काउंट ऑन कर्व वाला ऑप्शन यूज करना है। ये ले लिया, इसमें ये अभी ये इसमें राउंड डायमंड है। सबसे पहले ये डाउन इसका जो डिटेल है वो चेंज कर देते हैं। सबसे पहले ये डायमंड ठीक कर देते हैं। यहाँ पे आप वाई एक्सिस है वहाँ पे डाउन कर दीजिए, तो ये सीधा मेटल हो जाएगा, मतलब सीधा डायमंड सीधा हो जाएगा। और उसके बाद क्या करिए, राउंड डायमंड जो है उसको पहले बकेट डायमंड में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे जेम शेप पे क्लिक करना है, और उसमें ये बकेट वाला डायमंड लेना है। बकेट वाला डायमंड ले लिया, यहाँ पे आपको मेजरमेंट पूरा मिल जाएगा। अभी ये कितने एमएम का है, हमें 1.8 यहाँ से यहाँ लेना है। तो इसमें क्या बताएगा, यहाँ से ये साइज दिखा रहा है, तो हमें इसका 1.8 का हाफ 0.9 होता है, तो हमें 0.9 ये करना है, तो ऐसे 1.8 हो जाएगा। तो मैं अभी ये 0.9 कर देता हूँ, 0.9 हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको ये बीच का जो राउंड है उसको खींच के आप वहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आप ले लीजिए। इसको यहाँ पे टच करवा दिए, और ये जो दूसरा ऑप्शन है ये स्पेसिंग का, वो आपको 0 कर देना है। 0 करने के बाद ये डायमंड को यहाँ पे लाइन यहाँ तक लाना है। तो यहाँ पे जो काउंट का ऑप्शन रहेगा उसमें आप डायमंड बढ़ा सकते हैं। आप इतना डायमंड कर दीजिए, तो बाकी जितना आएगा उतना ही दिखेगा, बाकी सब वो डिलीट हो जाएगा बाद में। तो आपको अभी क्या देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह रह रहा, तो आप क्या करें, इसको थोड़ा सा मतलब दोनों साइड थोड़ा थोड़ा जगह रह जाए वैसे आपको करना है। मैं वहाँ पे कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया, तो अभी ये डायमंड अभी इसमें बिठ गया है। तो डायमंड बिठाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो डायमंड इसके ऊपर आएगा, तो आपको यहाँ से 0.3 आपको नीचे ले लेना है। डायमंड 0.3 डायमंड इसके नीचे रहेगा, और ये जो मेटल और ये कव है उसको भी रखना है, क्योंकि इसके नीचे भी हमें सपोर्ट लगाना रहता है। तो इसको अभी मैं 1.6 नीचे ले लेता हूँ। ये 1.6 नीचे ले, या ऊपर से डायमंड देखिए बिठ गया है। 0.1 इसके अंदर होगा, 0.1 यहाँ पे अंदर होगा। फिर इसके अंदर एक कट भी लगाना है आपको, तो वो आपको बाद में मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट लगाना है। सपोर्ट लगाने के लिए ऑब्जेक्ट ऑन कर्व का यूज़ करेंगे। अभी इसमें सीधा तो है नहीं, तो कॉपी हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट ऑन कर्व से हम लोग बिठा देंगे। आपको यहाँ पे 0.7 का सपोर्ट लगाना है, तो 0.7 को और यहाँ पे एक दूसरे के अंदर इंसर्ट हो जाए, तो 2 mm का सपोर्ट ऐसे, तो 0.7 का और 2 mm ऐसे ऑफसेट आप लगाना है। तो यहाँ से डायरेक्ट सपोर्ट बना लीजिए, 0.7 का ऐसे और 2 mm ऐसे, और फिर 0.7, तो 2 mm 0.7 सॉरी 0.7 2 mm, और हाइट भी इसका 0.7। तो सब तीनों को इसको मैं अभी सेंटर में ले लेता हूँ। अभी इसको यहाँ पे बीच में बिठाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो बीच वाला कव है उसको सिलेक्ट करना है, F6 दबा के ऑब्जेक्ट ऑन कव लेना है। ये ले लिया, इसमें से ये जो ऑप्शन ओपन होगा उसको बंद कर देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में
यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन लेना है, उसको सिलेक्ट करके एंटर देना है। तो ये अभी इसमें दिखाएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सपोर्ट है उसको पहले सीधा कर देना है। F4 है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउन हो जाएगा और यहाँ पे सपोर्ट सीधा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट को यहाँ पे खींच लेना है पूरा यहाँ तक, और इधर भी इसको पूरा यहाँ तक खींच लेना है। आपको दो सपोर्ट के बीच में 4.5 mm से 5 mm का गैपिंग रखना है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो स्पेसिंग है उसको आप लिख लीजिए 3.5 4 mm जितना, ये 4 mm जितना हो गया है। तो अभी इसके अंदर इतना सपोर्ट आ रहा है, और लास्ट वाला जो सपोर्ट है वो मेजरमेंट ठीक रहे इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है, और ये बाद में डेट हो जाएगा। अभी मैं क्या यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रखता तो ये मेजरमेंट ठीक से मैं देख नहीं पाता, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया और ये वाला भी लास्ट तक ले लिया। यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है नहीं। अभी ये हो जाने के बाद आपको एंटर दबा देना है, और ये जो पूरा ग्रुप रहेगा तो ग्रुप में से आप ये जो ये वाला सपोर्ट है उसको आप डिलीट कर दीजिए लास्ट वाला, और ये जो मेटल और ये कव दोनों डिलीट कर दीजिए। ये सपोर्ट अभी देखिए कहाँ पे होगा, ये इसको डिलीट कर देता हूँ। ये सपोर्ट अभी कहाँ पे है, नीचे है। तो आपको इसको यहाँ पे पूरा ऊपर ले लेना है, ये ऊपर ले लिए, अभी ये हो गया। और हाइट में से ये डायमंड ले लीजिए आप। तो ये आपका चैनल सेटिंग रेडी हो गया। अभी आपको, अभी ये मैंने फ्लैट में बताया, तो अभी डोम में भी कैसे रहेगा वो भी आपको बता देता हूँ। अभी समझिए कि ये, अभी ये चैनल सेटिंग कंप्लीट हो गया है, और उसमें अभी एक 2.2 की इधर कट लगानी है जहाँ पे वो डायमंड फिटिंग होगा। तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करिए F6 दबा के, आपको चैनल बिल्डर लेना है। चैनल बिल्डर लेने के बाद यहाँ पे जो राउंड शेप रहेगा उसको पहले ठीक कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा, इधर क्लिक करिए तो स्क्वेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मेजरमेंट वहाँ पे आ जाइए, इसको खींच के पहले जो डायमंड है वहाँ तक आपको रखिए, रखना है इसको पहले यहाँ तक ले लिया, और ये जो 90 है उसको पूरा डायमंड तक खींच लीजिए। तो आपने डायमंड बिठे वहाँ वहाँ पे खींच ले, और ये जो अभी ये सेक्शन है वो राउंड डोम वाला है, तो उसको पहले यहाँ पे चेंज कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें एक स्क्वेयर वाला ले लीजिए, स्क्वेयर वाला ले लिए। फिर इसको आपको यहाँ पे कम कर देना है, इतना 10 तक 8 या 10 तक आपको रखना है, तो 0.2 शायद हो जाएगा। अभी मैंने 10 रखा है, इसको एंटर दबाना है। इसको पहले मेजरमेंट कर दीजिएगा, ये 0.2 तो होना ही चाहिए, ये 0.2 होगा। आप 10 रखेंगे तो 0.2 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको क्या करना है, ये जो मेटल मैंने बीच में जो बनाया है वो उसको इसके साथ आपको कट कर देना है। ये देखो अगर इधर बीच में कट हो गए ये, अगर अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ऊपर लगे तो आपको क्या करना है, जो मैंने डायमंड 0.3 नीचे लिया उसको आप 0.4 भी रख सकते हो, मतलब टोटल 0.4। तो मैं अभी 0.1 और नीचे ले लेता हूँ, तो उसके बाद आप कट करिए। तो यहाँ पे जगह ये देखिए, ये 0.2 से या 0.3 से ज़्यादा तो रही नहीं चाहिए जगह। अभी ये कट लग गए तो यहाँ पे क्या है, उन लोगों को डायमंड बिठाने में आसानी रहेगी, तो ठीक से बिठ जाएंगे। और ये अभी चैनल सेटिंग हो गया है अभी, हाँ ये कंप्लीट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, अभी एक जो फ्लो में रहेगा, मैं आपको फ्लो वाला एक बता देता हूँ। फ्लो में अगर आपको डिज़ाइन रहेगा तो कैसे करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक रिंग बना लेता हूँ 70.2 का सर्कल, 1.8 ऑफसेट, 0.2 ऊपर, इसका हाइट बोथ साइड 1.5। अभी मैंने 3 mm का एक बनाया, तो इसमें क्या करना है, मुझे अभी इसके अंदर डायमंड बिठाने, डायमंड मुझे हाफ तक बिठाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 0.7 का बॉर्डर रख के दोनों साइड कट कर दीजिए, और यहाँ पे बीच में कट कर। लेकिन उसके पहले क्या करना है, आपको डायमंड अगर ठीक से बिठाने हैं तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच में एक पहले ये जो कव है उसको क्या करें, यहाँ से हाफ से यहाँ तक आपको डायमंड पहले बिठा देना है। आपको पहले मेजरमेंट लेना है कि आपको कितने mm का डायमंड बिठाना है। अभी समझिए 3 mm का है, तो इसमें मैंने जैसे उसमें बनाया वैसे 1.8 का डायमंड इसमें बिठेगा। तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको पहले ऐड कर दीजिए, ये जो कव है उसको पहला F4 दबा के एक ऐसे स्क्वायर बना लीजिए, और इसमें जो बाकी का जो है उसको ट्रिम कर दीजिए। तो ये कव आपका अभी बचा है, तो इसको सिलेक्ट करना है, F6 दबाना है, और जेम काउंट ऑन कव लेना है। ये ले लिए, अभी ये डायमंड बिठाया हुआ रेडी है। तो आपको ये जो डायरेक्शन हो पहले यहाँ से यहाँ पे चेंज करना है, ये डायरेक्शन यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि एकदम सेंटर में डायमंड होना चाहिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर इसको आप ऊपर ले लीजिए, ऐसे आ गया,
इधर बीच में एक डायमंड लगा दीजिए, और ये भी डायमंड शायद 1.9 है, मतलब ऐसे 1.8 हो गए, और स्पेसिंग भी 0 हो गया, और डायमंड यहाँ पे हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं अभी हाँ चलेगा उतना। तो अभी आपको क्या करना है, 3D में आपको ये डायमंड को अंदर लेना पड़ेगा, तो आपको ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स से आप यहाँ पे नीचे खींचेंगे तो इतना दिखाएगा कि वो कितना अंदर जाएगा डायमंड, सॉरी ये नहीं, रेड वाला बॉक्स आपको लेना है। तो नीचे मैंने जैसे बोला था वैसे 0.4 बोला था, तो आप 0.4 इतना नीचे ले लीजिए, तो ये 0.4 नीचे डायमंड बिठेगा। तो आपको क्या करना है, अभी शायद एक दो डायमंड कम हो गया होगा, हाँ एक डायमंड कम हो गया, क्योंकि पहले यहाँ पे इसके नीचे था डायमंड। तो अभी क्या करता हूँ, अभी इतना हो गया, उसके बाद एंटर दबा देना है, और अनग्रुप करके इसको सामने मिरर लगा दीजिए, मिरर लग गया, दोनों डायमंड को ग्रुप कर देना है। अभी आपको क्या पता चल गया है कि आपको कट यहाँ पे लगाना, अगर आप पहले कट लगा देते हो तो डायमंड ठीक से शायद बिटता नहीं, तो आपको अभी इस दोनों के बीच में जो कट है वो लगाना है। तो उसके लिए क्या करिए, यहाँ पे एक डुप्लीकेट बॉर्डर ले लीजिए, उसको 0.7 अंदर ऑफसेट लगा दीजिए, तो यहाँ से 0.1 अंदर रहेगा, और सामने मिरर लगा दीजिए, ये दोनों को लॉफ्ट दे देना है आपको, और इसको हाइट दे देना है, बोथ साइड दोनों हाइट दे दिए, बहुत थोड़ी थोड़ा ज़्यादा देना है, 2.5 दोनों साइड आ गए। लेकिन आपको डायमंड कितना कट करना है, जहाँ पे ये कट है वहाँ पे इसको आप कलर चेंज कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपको एक बॉक्स लेके जो वहाँ पे ये जो डायमंड का कट है वहाँ तक आपको बॉक्स लेना है, और यहाँ पे आपको ऐसे हाइट हो जाएगा, तो इसको सिलेक्ट करके ये कॉपी, और इसके बाद इसको साथ इसको कट कर दीजिए, ये चैनल सेटिंग हो गया, समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बॉक्स बना लिया, यहाँ पे बनेगा बॉक्स, तो उसको पहले दोनों के आर पार ले लेना है, ये जो कटर है उसके साथ इसको कट कर देना है, तो वहाँ पे इतना हाफ कट हो गया, और उसके बाद इस मेटल के साथ इसको ग्रुप कट करना है, ये डायमंड कट टू कट हो गए। अभी आपको यहाँ पे शायद सपोर्ट लगाना है, तो सपोर्ट लगाने के लिए अभी तो मैं यहाँ पे 1.7 का सपोर्ट लगा के कॉपी करूँगा तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर ये तो राउंड है इसलिए हो जाएगा, अगर आपको कोई और शेप में अगर सपोर्ट लगाना है तो मैंने जैसे उसमें बताया था वैसे आपको करना है। आपको दोनों साइड डुप्लीकेट एज लेना है, दोनों को लॉफ्ट दे दें, और दोनों के बीच में ट्विन कर्व ले लेना है, तो आपको ये तीनों का कलर चेंज कर दिया। आपको यहाँ पे एक सपोर्ट बना देना है, जैसे मैंने अभी पहले बनाया था वैसे 0.7 का, 2 mm, फिर 0.7, तो एक सपोर्ट बन गया, और इसको भी यहाँ पे बिठाना है ठीक से। तो आपको कैसे बिठाना है, अभी मैं अगर सपोर्ट बिठाऊंगा F6 दबा के, तो ट्विन को F6 दबा के ऑब्जेक्ट ऑन कर लिया मैंने, और ये बंद कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट लिया एंटर दबा दिया। अभी ये डैम ये अपना कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, हमें क्या कहाँ पे चाहिए, ये पोजीशन इसके ऊपर रहना चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो सपोर्ट है उसको यहाँ पे पहले ले लेना है, सेंटर से ऊपर रखना है, तो अभी यहाँ पे सपोर्ट बिठाऊंगा तो वो भी सेंटर से ऊपर आएंगे, कव के ऊपर आएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ऑन कव ले लिया, फिर ऑब्जेक्ट में जाके ऑब्जेक्ट लेना है, दोनों को इसको सिलेक्ट करके एंटर देना है, इसको सेम वही प्रोसेस आपको करना है, नीचे तक खींचना है, इसको भी नीचे तक खींचना है। अभी ये एक छोटा सा रिंग है, तो इसमें जैसे मैंने 4.5 से 5 mm बोला, तो आप इसमें थोड़ा कम रख सकते हैं, जैसे ये 3 mm तक रखता हूँ मैं, 3 mm रख देता हूँ। अभी ये सेंट इससे ऊपर है, ये भी देख लेना है आपको ठीक से ऊपर है कि नहीं, इतना हो गया तो एंटर दबा देना है, और अनग्रुप करके ये जो लास्ट वाला दोनों सपोर्ट है उसको डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट करना है, और इसको भी डिलीट। अभी ये सपोर्ट को ग्रुप कर दीजिए, ग्रुप करने के बाद हाइड में से आप चैनल सेटिंग का बॉर्डर ले लीजिए, तो ये देख लीजिए यहाँ पे हो गया है, ये भी हो गया सेम। आपको इसमें भी जैसे मैंने उसमें पट्टी बनाया था वैसे, अभी मेजरमेंट तो वही है, तो बना हुआ रेडी है, तो अभी मैं इसको एंटर दबा देता हूँ, इसके साथ इसको कट कर देना है, तो आपको यहाँ पे एक कट मिल जाएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग में डायमंड बिठाने के लिए अच्छा रहेगा उनके लिए। तो अभी ये रिंग पूरा बन गया, तो अभी एक पट्टी में आपको जैसे अगर डायमंड छोटे से बड़ा है तो कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ, ये दोनों को ऐड कर देता हूँ। अभी एक पट्टी समझिए ऐसे, इसको मैं 4 mm ऑफसेट लगा देता हूँ, दोनों को रिबोल्ड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे 4 mm है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा टेपर कर देना है,
यहाँ पे थोड़ा अंदर ले लेता हूँ मैं, यहाँ से भी थोड़ा अंदर, यहाँ से भी थोड़ा अंदर। तो ये मेटल हो गया। अभी इसके अंदर मैं आपको चैनल सेटिंग तो सिखा दिया हूँ, तो मैं खाली आपको डायमंड बिठाना सिखा देता हूँ। इसके अंदर दोनों को लॉक दे देना है, सॉरी दोनों को पहले पैक करके वो मेन मेटल जो है वो बना देना है आपको। ये दोनों को ज्वाइंट कर दिया, हाइट इसका 0.7 अंदर ऑफसेट लगा दीजिए और दोनों को हाइट दे दीजिए, बोथ साइड नो -1.6। इतना होने के बाद ये दोनों के बीच में आपको पहले लॉफ्ट दे देना है, यहाँ पे डुप्लीकेट एज लेके, डुप्लीकेट एज ले लिया, दोनों को लॉफ्ट दे दीजिए और एक पिन का ले लीजिए। तो अभी आपको क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ये मेटल है, सेम वही प्रोसेस है, इसको सिलेक्ट करके F6 दबा के जेम काउंट ऑन कव ले लिया, वाई एक्सिस में डाउन ले लिया, ये मैंने अभी 0.4 वहाँ पे लिया हुआ था, वो ऑप्शन अभी शुरू है, तो मैं अभी क्या करता हूँ पहले ऊपर इसको ले लेता हूँ तो दिखने में अच्छा रहेगा। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला जो पोजीशन है बड़ा साइज़ वाला, उसको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे डायमंड का साइज़ बढ़ा देना है। अब डायमंड साइज़ कहाँ पे बढ़ाएंगे, अभी समझिए मैं 1.2 रख रहा हूँ, तो इसके अंदर है 1.3 पे थोड़ा 0.05 बाहर जा रहा है, और मैं अभी 1.4 रख रहा हूँ, तो यहाँ से 0.1 इसके अंदर इंसर्ट रहेगा, 0.1 इसके अंदर इंसर्ट रहेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले यहाँ पे एक डायमंड ठीक से पहले बिठा देना है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे टेपर करना है डायमंड, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे नीचे टेपर डायमंड का ऑप्शन रहेगा, तो टेपर डायमंड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डायमंड छोटा करने का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइज छोटा करते जाना है, आपको धीरे धीरे ट्राई करना, कभी कई बार ये ऑप्शन से मैट्रिक्स बंद हो जाता है। तो अभी ये मैंने यहाँ पे 0.8 किया है और यहाँ पे 1.4 किया है, तो अभी यहाँ पे 1.4 है और यहाँ पे 1.4 है, यहाँ पे 1.8, तो इसका 1.6 है और ये जो डायमंड है उसका होगा 2.8 डायमंड होगा सही। तो मैंने अभी ये छोटा कर दिया, तो इसको आप एंटर दबा दीजिए और बाकी का डिलीट कर दीजिए। तो हाइड में से अब ये पट्टी ले लीजिए, इसको पूरा जो ऊपर है उसको पहले नीचे बिठा देना है, तो इस तरीके से आपको टेपर डायमंड बिठाने हैं। तो इसके नीचे का जो सपोर्ट है वो मैंने तो आपको इस पट्टी में बता दिया है कैसे लगाना है, वो ही सेम प्रोसेस है यहाँ पे आपको करना है, और कट भी वैसे ही आपको कर देना है। तो अभी ये वीडियो में यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, अगर आप नए हैं तो वीडियो को देख रहे हैं, अगर तो मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, और आप अगर पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो अभी इसमें कुछ आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो आपको टेलीग्राम में मुझे पूछ लेना, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ पे ज्वाइन होकर आप वहाँ से मुझे जो भी है, मतलब आपको सवाल है आप पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूंगा। तो वीडियो मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ, थैंक यू।